हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडल स्कूल राजगढ़। दोस्तों, बेसिक शिक्षा के विशेष सचिव सत्येंद्र कुमार ने उत्तर प्रदेश के समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया है, जिसके तहत COVID-19 के नियंत्रण में प्रशासनिक रूप से लगे SRG और ARP जो स्टेट रिसोर्स ग्रुप के सदस्य हैं, एक जनपद में 3 के करीब दोस्तों, और जो ARP चयनित हुए हैं, इनकी ड्यूटी COVID-19 के प्रशासनिक नियंत्रण में दोस्तों लगा दी गई है। तो अब उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के नाम संदेश जारी हुआ है। विशेष सचिव बेसिक शिक्षा सत्येंद्र कुमार ने आदेश जारी किया है कि यथासंभव इनकी ड्यूटी से इनको विरत करके अन्य शिक्षकों और कार्मिकों की ड्यूटी COVID-19 के प्रशासनिक नियंत्रण में लगाई जाए और इनसे जो काम अपेक्षित है वो कुछ अलग है। आते हैं, देखते हैं इनसे क्या काम अपेक्षित है। प्रदेश के समस्त BSA के नाम संदेश जारी हुआ है। सभी BSA कृपया ध्यान दें, समीक्षाओं के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि SRG यानी स्टेट रिसोर्स ग्रुप, राज्य संदर्भदाता, जिनको दोस्तों बेसिक एजुकेशन में परिवर्तन का वाहक भी माना जाता है, तो स्टेट रिसोर्स ग्रुप और ARP यानी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, जिनका दोनों लोगों का काम सपोर्टिव सुपरविज़न का है, शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन का है, इनकी ड्यूटी कोविड प्रशासनिक कार्यों में लगाया जा रहा है, ऐसा इनपुट प्रशासन को मिला है। पूर्व में आपसे अपेक्षा की गई थी COVID-19 लॉकडाउन के दौरान SRG और ARP के माध्यम से निम्न कार्यों को अभियान चलाकर पूर्ण कराया जाए। काम क्या है? पहला तो अभियान ये था कि शिक्षण संग्रह के अनुसार समस्त विषयों के समस्त पाठों के शिक्षण योजना तैयार कर शिक्षकों को उपलब्ध कराना और गूगल फॉर्म पर अपलोड करना। तो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल ये कहता है कि सारे विषय जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं, हर विषय से संबंधित पाठ योजना का निर्माण करना, पाठ के शिक्षण योजना तैयार करना, क्योंकि आने वाले समय में जब विद्यालय खुलेंगे तो इन्हीं जो पाठ योजनाएँ हैं, शिक्षण की जो आदर्श योजनाएं हैं, उसी के अनुरूप ही शिक्षक बच्चों को पढ़ाने का कार्य दोस्तों करेंगे। तो ये SRG और ARP की जिम्मेवारी दी गई है कि शिक्षण संग्रह के अनुसार समस्त विषयों के समस्त पाठों के शिक्षण योजना तैयार कर शिक्षकों को उपलब्ध कराना और गूगल फॉर्म पर अपलोड करना। दूसरा, सभी ब्लॉकों और स्कूल की प्रेरणा घोषणा की कार्ययोजना तैयार कर अपलोड करना। जितने भी ब्लॉक हैं, जितने भी स्कूल हैं, उनकी प्रेरणा घोषणा की कार्ययोजना तैयार करना और अपलोड करना। तीसरा, प्रत्येक स्कूल की रेमेडियल क्लास की कार्ययोजना तैयार करना, ताकि स्कूल खुलते ही उनका क्रियान्वयन संभव हो सके। चौथा, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इस समय चल रहा है कि व्हाट्सएप क्लासेस का जिले में संचालन हेतु अकादमिक इनपुट प्रतिदिन उपलब्ध कराना। पूरे प्रदेश में व्हाट्सएप ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है और एकेडमिक इनपुट पर डे, शिक्षक को क्या काम करना है, ऑनलाइन कंपटीशन क्विज क्या हो रही है, क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, इसकी एकेडमिक इनपुट कौन प्रोवाइड करेगा? SRG और ARP। पांचवा बिंदु कहता है, दीक्षा ऐप का उपयोग सभी शिक्षक करना आरंभ करें, इसके लिए हेडमास्टर का ऑनलाइन ओरिएंटेशन करना। एक इस समय विधा चल गई है गूगल हैंगआउट मीट की, या जूम मीट जिसको गृह मंत्रालय ने प्रतिबंधित कर रखा है, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तमाम विधाएं दोस्तों हैं। तो इन विधाओं के माध्यम से SRG और ARP जितने भी हेडमास्टर्स हैं उनका ऑनलाइन ओरिएंटेशन करेंगे और पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हेडमास्टर्स उपस्थित हों और उनको मोटिवेट करें कि क्या हेडमास्टर के द्वारा या उसके समस्त स्टाफ के द्वारा दीक्षा ऐप का प्रयोग करना चालू कर दिया गया है, बच्चों को
एकेडमिक वर्क देने में या वीडियो का लिंक बच्चों को अवेलेबल कराने में शिक्षक इसका प्रयोग कर रहे हैं या नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट बिंदु है जिसे एआरपी और एसआरजी को दोस्तों करना होता है। आगे चलते हैं। अतः यह अपेक्षा की जाती है कि प्रतिदिन इन बिंदुओं पर प्रगति की चर्चा और समीक्षा अपने एसआरजी एआरपी की टीम के साथ करें और कोविड संबंधी प्रशासनिक कार्यों के लिए अन्य शिक्षकों और कर्मचारियों का सहयोग लें। तो ये बहुत बड़ा काम है, चूँकि इस लॉकडाउन अवधि में ये काम बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सारा का सारा जो हेडमास्टर्स हैं, शिक्षक हैं, एआरपी एसआरजी टीम के माध्यम से लयबद्ध तरीके से अपने कार्यों को अंजाम दें और इस अवधि का सदुपयोग करते हुए सारे लेसन्स प्लान्स निर्मित हो जाएं। इसलिए इन लोगों को आदेश किया गया है, समस्त माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि कोविड 19 के प्रशासनिक नियंत्रण में अन्य शिक्षकों का सहयोग लिया जाए और इन्हें इस कार्य से मुक्त किया जाए, क्योंकि इनके काम का दूसरा आयाम है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप देख सकते हैं सत्येंद्र कुमार विशेष सचिव बेसिक शिक्षक आदेश है। अगर ये इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल कमेंट करना। लेकिन अगर आप मॉडल स्कूल राजगढ़ के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग आउट।